आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांता और सफरिंग के बारे में। अद्वैत वेदांता का यूज करके, का इस्तेमाल करके हम कैसे सफरिंग को खत्म कर सकते हैं। सफरिंग मतलब परेशानियां, दिक्कतें जो जीवन में चलती हैं। अद्वैत वेदांत की पहले फिलॉसफी समझनी पड़ेगी हमें। क्या फिलॉसफी है? बहुत आसान है, कोई ज्यादा बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अभी ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओनली अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता, ओनली द ब्राह्मण इज रियल एंड एल्स इज फॉल्स। यानी कि जो सत्य है वो है ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, और बाकी सारी चीजें मिथ्या है, माया है, अहंकार है, फॉल्स है। यानी जो परम तत्व है वो ब्रह्म ही है। यहां पर मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में इसको ब्रह्मन बोल देते हैं। भ्रम की बात नहीं कर रहा, एक भ्रम होता है इल्यूजन, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो जो ब्रह्म है दैट इज दी अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज दी अल्टीमेट ट्रूथ, एंड एल्स इज फॉल्स, और बाकी सारी चीजें फॉल्स है। अब बात करते हैं हम सफरिंग की। सफरिंग किसे होती है? वो सफर्स कौन परेशान है? बॉडी, योर बॉडी। अगर आपके कहीं चोट लग रही है, आपको कोई इलनेस हो रही है, तो परेशानी किसको हो रही है? बॉडी को, शरीर को। या फिर आपके किसी क्लोज वन की डेथ हो गई, या आपको कोई लॉस हो गया, तो यहां पर सफरिंग किसको हो रही है? माइंड को। यानी सफरिंग किसे हो रही है? सफरिंग दो लेवल पर हो रही है, बॉडी को और माइंड को। और तुम्हें ये कैसे, तुम्हें पता भी लग रहा है, तुम्हें इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि जो सफरिंग हो रही है वो मटेरियल लेवल पर हो रही है एक तो, और एक माइंड के लेवल पर हो रही है। ये तुम्हें पता लग रहा है क्योंकि तुम्हें तभी तो ये चीज तुम्हें महसूस हो रही है। तुम इस चीज से अवेयर हो कि सफरिंग हो रही है, यार आज मेरा मन बड़ा परेशान है, आज मेरा शरीर बड़ा दर्द कर रहा है, ये चीज तुम्हें पता है। तो कौन है जिसे पता है? वो कौन है जिसे पता है? कौन है जो कॉन्शियस है इस चीज को लेकर? कौन है जो इस चीज को लेकर अवेयर है? दैट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ योर्स, नॉट दिस बॉडी एंड योर माइंड। माइंड मीन्स थॉट। सो जो सफरिंग हो रही है, एक तो बॉडी लेवल पर हो रही है और एक आपके कॉन्टेंट लेवल पर हो रही है कि यार मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। आपने जो कुछ प्रोग्रामिंग बना रखी थी, आपने जो कंटेंट इकट्ठा किया हुआ था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या फिर आपने किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी और आपका ब्रेकअप हो गया, या किसी आपके अच्छे पर्सन की डेथ हो गई है, तो वो कंटेंट बनाता है। यहाँ पर कंटेंट सफर कर रहा है और एक जगह पर आपकी बॉडी सफर कर रही है। अभी आपकी बॉडी जो है और जो आपका कंटेंट है, यानी आपका जो माइंड है, आपका जो थॉट है, ये फॉल्स है, ये इल्यूजन है। क्योंकि रियलिटी सिर्फ क्या है? अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता रियलिटी सिर्फ है कि ओनली ब्राह्मण इज रियल, यानी ब्रह्म जो है वो रियल है। हाँ, सारी चीजें ब्रह्म से बनी है, बॉडी भी ब्रह्म से बनी है, आपका जो माइंड है वो भी ब्रह्म से बना है, लेकिन ये ब्रह्म का एक्सप्रेशन है, ये ब्रह्म नहीं है, बना ब्रह्म से है लेकिन ब्रह्म का एक्सप्रेशन है ये। तो जो रियल है, जो रियलिटी है, वो ओनली ब्राह्मण इज रियल। जब वही रियलिटी है, वही सब कुछ है, वही अल्टीमेट गोल है, तो बाकी सारी चीजों की केयर क्यों करना? बाकी सारी चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इट्स ओके। हो रही हैं तो उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं हो रही तो उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, बट फेस वैल्यू पर नहीं ले रहे। फेस वैल्यू मतलब इसको बहुत ज्यादा इससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि रियलिटी सिर्फ ओनली द ब्राह्मण इज रियल एंड एल्स इज फॉल्स, बाकी सारी चीजें मिथ्या है। तो क्यों ना इस ब्राह्मण को जाना जाए, इस ब्राह्मण को समझा जाए, जिसको लोगों ने गॉड कहा, जिसको लोगों ने कहा ये यही है सत्य। और इसको कैसे जान सकते हैं हम? मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के ऊपर कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, और वीडियोस कई सारी हैं, बहुत तरह से आपकी हेल्प हो सकती है। और अगर फिर भी कोई वो नहीं है इसमें, अगर आप फिर भी चाहते हैं
मेडिटेशन को और अच्छी तरह समझना है, हालांकि मैंने वीडियो में सब कुछ बता रखा है, फिर भी आप मेडिटेशन को समझना चाहते हैं तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, एक कोर्स बनाया हुआ है मैंने मेडिटेशन को लेकर, उसमें मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको जो नंबर आ रहा है व्हाट्सअप का, उस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।